सत श्री अकाल, मैं हाँ नेहा शर्मा ते तुसी वेख रहे हो प्रवासी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अज दियां मुख खबरां दे नाल। हिमाचल प्रदेश विच पिछले दो दिनों तो पै रहे मीह ने पंजाब की चिंता वधा दिती है। इस दे चलदियां पंजाब विच हुण तीजी बार हड़ां दा खतरा बनता जा रहा है। रोपड़ जिले विच सतलुज दरिया दे पानी दा पद्धर एक बार फिर वध्या ते तरन तारण दा एक सरहदी पिंड भी पानी विच गिर गया। भाखड़ा डैम अते हरीके हैड तो भी लगातार पानी छड्डिया जा रहा है। मिली जानकारी अनुसार भाखड़ा डैम विच पानी घट भी हो रहा है ते वध भी हो रहा है। पिछले दिनी भाखड़ा डैम विच पानी दा पद्धर खतरे दे निशान तो 8 फुट हेठां सी, हुण इह पानी दा पद्धर खतरे दे निशान तो 7 फुट हेठां है। इस दे चलदिआं भाखड़ा विचों लगातार पानी छड्डिआ जा रहा है। हिमाचल प्रदेश विच पै रहे मीह दे चलदिआं सतलुज दरिया दे नेड़ले पिंडां नूं खाली करवा लिआ गिआ है। उधर दूजे पासे पौंग डैम विच पानी दा पद्धर खतरे दे निशान तक पहुंच गिआ है। बीबीएमबी प्रशासन वल्लों डैम विचों पानी दी स्थिति नूं कंट्रोल विच रखण लई पानी छड्डण दी प्रक्रिया नूं जारी रख्या होइआ है। दसणी है कि मौसम विभाग ने चौकस किया है कि हिमाचल प्रदेश विच 30 अगस्त तक लगातार मीह पैण दी संभावना है। लुधियाना विच रहिंदे कांग्रेस पार्टी दे साबका मंत्री भारत भूषण आशु दे घर लंघे कल वीरवार नूं ईडी दी रेड 12 घंटे तो ज्यादा समां चली। सियासी गलियारा विच चर्चा चलदी रही कि भारत भूषण आशु भाजपा विच जाण दी तैयारी विच हन। इस दे चलदिआं भारत भूषण आशु दी पत्नी ममता आशु ने मीडिया नाल गल्लबात करदिआं इन्हां सारियां चर्चावां ते विराम चिन्ह लगा दित्ता है। ममता आशु ने कहा कि उन्हां दे पति भारत भूषण आशु कांग्रेसी हन ते कांग्रेस ही रहणगे, सब कुछ ठीक है ते किसे भी होर सियासी पार्टी विच जाण दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। ममता आशु ने कहा कि ईडी ने उन्हां दे घर किसी तरह की कोई रेड नहीं की, यह सिर्फ एक सर्च सी। उन्हां कहा कि जदों भी किसी व्यक्ति दे विजिलेंस वालों केस दर्ज किया जाता है तो ईडी एक बार सर्च करन जरूर पहुंचती है। उन्हां कहा कि छापेमारी वर्गी कोई गल नहीं है। ममता आशु ने कहा कि ईडी की टीम ने बैंक डिटेल अते जायदाद नाल जुड़िया ब्यौरा लिया है। उन्हां यह भी कहा कि अजिहे कागजात वह पहला ही विजिलेंस कोल जमा करवा चुके हैं। जिक्रयोग है कि भारत भूषण आशु पंजाब विच कांग्रेस की सरकार समय फूड सप्लाई मंत्री सन ते उन्हां ते घोटाले संबंधी कई आरोप लगे सन। इन्हां घोटाले संबंधी भारत भूषण आशु ने कुछ समा जेल भी कट्टी ते हुण ओह जमानत ते बाहर हन। इत्थे ए भी दसनयोग है कि पंजाब विच आम आदमी पार्टी दी अगवाई वाली भगवंत मान सरकार ने कांग्रेस अते अकाली दल दे साबका मंत्रियां अते विधायकां खिलाफ भ्रिष्टाचार दे मामलियां लैके जांच शुरू कीती होई है ते इस जांच विच कई साबका कांग्रेसी मंत्री भी घिर चुके हन, जिस तों बाद कांग्रेस दे कुछ साबका मंत्री तां भाजपा विच शामिल हो गए सन। पंजाब अते हरियाणा सने उत्तर भारत दीआं 16 किसान जत्थेबंदियां वल्लों सरकार दे खिलाफ शुरू कीते गए रोस मार्च दौरान गिरफ्तार कीते गए किसानां नूं पंजाब सरकार ने वीरवार देर रात नूं रिहा कर दिता है। इस तों बाद किसानां ने पंजाब विच 17 थावां ते लगाए गए धरनियां नूं मुअत्तल कर दिता है। हुण किसान आगू आउंदी 4 सितंबर नूं चंडीगढ़ विच प्रशासन नाल मीटिंग करनगे। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने जानकारी दित्ती है कि 21 अगस्त तों शुरू होए संघर्ष विच पंजाब सरकार ने कई किसान आगुआं नूं गिरफ्तार कर लिया सी ते जेल विच भेज दिता सी। चंडीगढ़ मार्च दौरान किसानां ते पुलिस वल्लों कीते गए लाठीचार्ज दौरान एक किसान दी जान भी चली गई सी ते कई किसान जख्मी भी हो गए सन। किसान आगू ने कहा कि हुण पंजाब सरकार नूं चुकना पिया है। उन्हां दस्सिया कि केंद्र सरकार नूं भी पत्र लिख के खेती मंत्री नाल मुलाकात लई समां मंगिया गया। इस दौरान केंद्र सरकार नाल जुड़ियां मंगां नूं लैके 4 सितंबर नूं चंडीगढ़ प्रशासन नाल मीटिंग दा सद्दा दित्ता गया है। किसान आगू सरवण सिंह पंधेर ने दस्सिया कि संगरूर दे कस्बा लोंगोवाल थाने दे सामने शहीद होए किसान प्रीतम सिंह मंडेर दे परिवार नूं 10 लाख रुपए मुआवजे दा चैक सौंप दिता गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दे लई मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ग्रांट जारी कर दिती है। उन्होंने यूनिवर्सिटी विच मुंडिया दे हॉस्टल लई 25.91 करोड़ अते कुड़ियां दे हॉस्टल लई 23 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले दिन मुख्यमंत्री भगवंत मान यूनिवर्सिटी पहुंचे सन ते उन्होंने यूनिवर्सिटी लई ग्रांट जारी करने का ऐलान किया। यूनिवर्सिटी विच कुड़ियां का हॉस्टल नंबर 11 पहली मंजिल तक बनिया होया है ते इसका 6वीं मंजिल तक विस्तार किया जाना है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह मुंडिया का हॉस्टल नंबर 9 नवा बनना है, इसके लिए भी मुख्यमंत्री वालों 25.91 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने खुद साझी कीती है। पटियाला जिले के पिंड मगर साहिब के कमलदीप शर्मा ने चन्न ते पुजन वाले चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट विच बतौर क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम विच अहम भूमिका निभाई है। कमलदीप दे भरा पुनीत ने दस्सिया कि इसरो विच जांदे ही उसनूं चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट मिलिया, जिस तहत पहला 1 साल की सिखलाई दित्ती गई। सिखलाई पूरी होने तो बाद कमलदीप शर्मा नूं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। कमलदीप शर्मा की इस प्राप्ति से जिथे पिंड मगर साहिब विच खुशी का माहौल है, उत्थे ही परिवार खुशी विच खीवा हो उठिया। सधारण परिवार नाल
संबंधित कमलदीप दे पिता किसान हन। पटियाला दी डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने विज्ञानी कमलदीप शर्मा नूं चंद्रयान 3 दे दक्षिणी ध्रुव विच सफलता पूर्वक लैंडिंग करवाउण वाली टीम दा हिस्सा बनन ते मुबारकां दित्तियां। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवान विज्ञानी वालों पंजाब ते पटियाला दा सिर उच्चा करन लई कमलदीप दे माता पिता समेत पूरे परिवार नूं वधाई दित्ती है। इस दौरान लोकसभा मेंबर प्रनीत कौर ने भी कमलदीप शर्मा नूं वधाई दिंदे कहा, जिथे देश चंद्रयान 3 दी सफल लैंडिंग दा जश्न मना रहा है, उत्थे ही सानूं पटियाला दे कमलदीप ते माण है। कांग्रेसी आगू राहुल गांधी दे लद्दाख दौरे दा अज आखिरी दिन सी। इस दौरान राहुल ने कारगिल विच एक रैली नूं संबोधन भी कीता। राहुल ने भारत चीन सरहद ते चल रहे टकराव संबंधी कहा कि चीन ने हजारा किलोमीटर जमीन साडे कोलों खो ली है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ते झूठ बोलिया। राहुल ने कहा कि PM कह रहे हन कि साडी एक इंच भी जमीन नहीं गई है। कांग्रेसी आगू ने PM दे दावे नूं सरासर झूठ दस्सिया। राहुल ने कारगिल दे लोकां दी बहादुरी दी तारीफ कीती है ते कहा कि जदों भी बॉर्डर ते जंग हुई है उदों कारगिल दे लोक एक आवाज़ ते भारत दे नाल खड़े हो गए हन। राहुल ने कहा कि कुछ महीने पहला असीं भारत जोड़ो यात्रा दे तहत कन्याकुमारी तों कश्मीर तक गए सी। इस दा उद्देश देश विच भाजपा वल्लों फैलाए जा रहे झूठ दे खिलाफ खड़े होना सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के दौरे पर ग्रीस पहुंचे। उत्थे उन्होंने राष्ट्रपति कैटरीना सैकलेरा पोलो नाल मुलाकात की। इस मौके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। इस नाल सारे विज्ञानियों और मानवता को मदद मिलेगी। PM मोदी को ग्रीस के एथेंस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिता गया। उन्होंने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर्स के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। इस तो पहला एथेंस में एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों ने PM मोदी का भरवां स्वागत भी कीता। भारतीय मूल दे विज्ञानियों ने मोदी नूं ग्रीस दा परंपरिक मुकुट भी पहनाया। अमेरिका दीआं राष्ट्रपति चोणां विच धोखाधड़ी दे मामले विच साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फुलटन काउंटी पुलिस दे सामने आत्म समर्पण कीता। इस तो बाद पुलिस ने उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया अते फुलटन काउंटी जेल लै गई। ट्रंप नूं पुलिस रिकॉर्ड विच कैदी दे रूप विच दर्ज कीता गया। ट्रंप दी आरोपी दी तरह फोटो भी खिंची गई। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 मिंट बाद जेल विचों बाहर भी आ गए। इसे दौरान ट्रंप अमेरिका दे पहले अजिहे राष्ट्रपति बन गए हन जिन्हां दी कैदियां वांग फोटो खिंची गई है। ट्रंप ने रिहाई तो पहला शर्तां तहत $2,00,000 दा बॉन्ड भी भरिया। जेल विचों बाहर आउण तो बाद ट्रंप ने मीडिया नाल गलबात भी की। ट्रंप ने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं किया। ध्यान रहे कि ट्रंप ते जॉर्जिया विच राष्ट्रपति चोणां दे नतीजे ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰੋਪ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।